ब्लैक होल्स खला में सबसे अजीब और सबसे ज्यादा दिलकश अशिया हैं। वो इंतहाई घने हैं, इतनी मजबूत ग्रेविटी के साथ कि रोशनी भी इनकी गिरफ्त से नहीं बच सकती। मिल्की वे में 100 मिलियन से ज्यादा ब्लैक होल्स हो सकते हैं। हालांकि इन पेटू जानवरों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। मिल्की वे के मरकज में एक जबरदस्त ब्लैक होल है, सेजिटेरियस ए। नासा के एक बयान के मुताबिक ये जबरदस्त ढांचा सूरज की कमियत से तकरीबन 4 मिलियन गुना है और जमीन से तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के ताबून से ली गई थी। जमीन से 55 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर M87 कहकशा के मरकज में ब्लैक होल की हैरान कुन तस्वीर ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर दिया। ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? ब्लैक होल्स के दो अलग अलग चैनल्स के जरिए बनने की तवक्का है। पहले रास्ते के मुताबिक वो तारकी लाशें हैं, लिहाजा जब बड़े सितारे मरते हैं तो ब्लैक होल्स बनते हैं। वो सितारे जिनकी पैदाइश का हुजम हमारे सूरज से तकरीबन 8 से 10 गुना ज्यादा होता है, जब वो अपना तमाम ईंधन, अपना हाइड्रोजन खत्म कर देते हैं, वो फट जाते हैं और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट घनी चीज एक ब्लैक होल को पीछे छोड़कर मर जाते हैं। इसके नतीजे में जो ब्लैक होल पीछे रह जाता है, इसे तारकी मास ब्लैक होल कहा जाता है और इसकी कमियत सूरज की कमियत से चंद गुना ज्यादा होती है। तमाम सितारे ब्लैक होल्स को पीछे नहीं छोड़ते। कम पैदाइश वाले सितारे अपने पीछे न्यूट्रॉन स्टार या सफेद बोने छोड़ जाते हैं। एक और तरीका जिससे ब्लैक होल्स बनते हैं वो गैस के बराहे रास्त गिरने से है, एक ऐसा अमल जिसके नतीजे में ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स पैदा होने की तवक्का की जाती है, जिसकी कमियत सूरज के 1000 गुना बड़े पैमाने पर सूरज की कमियत से 1,00,000 गुना तक होती है। ये चैनल रवायती सितारे की तश्कील को रोकता है और ख्याल किया जाता है कि वो इब्तदाई कायनात में काम करता है और ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स के बीज पैदा करता है। ब्लैक होल्स किसने दरियाफ्त किए? ब्लैक होल्स की पेशगोई आइंस्टाइन की इक्वेशंस के एन मुताबिक मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के तौर पर की गई थी। आइंस्टाइन की इक्वेशंस मादे के गिर्द खला की शक्ल को बयान करती है। ब्लैक होल्स का हल 1915 में कार्ल श्वार्ट्ज़चाइल्ड ने पाया था और ये खित्ते यानी ब्लैक होल्स खला को इंतहाई हद तक मसख करते हुए पाए गए थे और स्पेस टाइम के ताने बाने में पंक्चर पैदा करते थे। इस वक्त ये वाजिया नहीं था कि आया ये कायनात में मौजूद हकीकी अशिया से मुताबकत रखते हैं। वक्त गुजरने के साथ जैसा कि तारकी मौत की दीगर आखिरी मसनुआत का पता चला, यानी न्यूट्रॉन सितारों को पुलसार्स के तौर पर देखा गया, तो ये वाजिया हो गया कि ब्लैक होल्स हकीकी हैं और इनका वजूद होना चाहिए। पहला पता चला ब्लैक होल सिग्नस X1 था। क्या ब्लैक होल्स मर जाते हैं? ब्लैक होल्स फिलवाकिया नहीं मरते, लेकिन नजरियाती तौर पर इनकी पेशगोई की जाती है कि वो इंतहाई तवील वक्त के पैमाने पर आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बन जाएंगे। दरअसल ब्लैक होल्स करीब के मादे के बढ़ने से बढ़ते हैं, जो इनकी बेपनाह ग्रेविटी के जरिए खींचा जाता है। हॉकिंग ने पेशगोई की थी कि ब्लैक होल्स भी एनर्जी को दूर कर सकते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ सकते हैं। क्वांटम थ्योरी बताती है कि वहां मौजूद वर्चुअल ज़रात हर वक्त वजूद में आते और बाहर होते रहते हैं। जब ऐसा होता है तो एक जरा और इसका साथी एंटी पार्टिकल जाहिर होता है, ताहम वो दोबारा जुड़कर दोबारा गायब भी हो सकते हैं। जब ये अमल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब होता है तो अजीबो गरीब चीजें हो सकती हैं। जर्रात के एंटी पार्टिकल जोड़े एक लम्हे के लिए मौजूद हैं और फिर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इनमें से एक ग्रेविटी के जरिए ब्लैक होल में गिर सकता है, जबकि दूसरा जर्रा खला में उड़ सकता है। बहुत तवील टाइम स्केल्स के दौरान हम टाइम स्केल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी कायनात की उम्र से कहीं ज्यादा लंबी हैं।
थ्योरी कहती है कि जरात से फरार होने की ये चाल ब्लैक होल को आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनने का सबब बनेगी।